फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया भर में ऐसे बहुत से जानवर पाए जाते हैं जो बहुत ही बड़े और खतरनाक होते हैं, लेकिन ऐसे जानवरों का बचपन भी बाकी जानवरों और इंसानों के बच्चों की तरह क्यूटनेस से भरा होता है, जिन्हें देखकर आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये बड़े होकर इतने खतरनाक बन जाते हैं। आइए बात करते हैं ऐसे ही जानवरों के बच्चों की और देखते हैं उनकी क्यूटनेस। नंबर 1, बेबी गोरिल्ला। साइंस के अकॉर्डिंग गोरिल्ला हमारे पूर्वज है, इसीलिए उनके काफी सारे फीचर्स हमसे मिलते जुलते हैं, जिसका वेट लगभग 135 से 150 किलोग्राम तक हो सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, न्यू बॉर्न बेबी गोरिल्ला का वेट महज 1.4 से 1.8 किलोग्राम तक ही होता है, मींस इंसानों के बच्चों के वजन से भी आधा। बेबी गोरिल्ला को अपने पैरों पर चलने में 9 महीने लग जाते हैं और 2.5 साल तक का होने तक बेबी गोरिल्ला हर घंटे अपनी माँ का दूध पीता है और हमेशा उनसे चिपका रहता है। नंबर 2, बेबी पांडा। भारी भरकम पांडा के बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनकी लंबाई महज 15 सेंटीमीटर होती है, मींस पेंसिल के जितनी। ये तो वो ही बात हुई, खोदा पांडा निकला चूहा। लेकिन पांडा बहुत तेजी से बढ़ते हैं और अपने वजन से डबल हो जाते हैं। जन्म के समय इनका कलर ब्लैक एंड व्हाइट नहीं बल्कि पिंक कलर का होता है और जन्म के 6 से 8 हफ्ते के बाद अपनी आंखें खोलते हैं। नंबर 3, बेबी कीवी। कीवी को अक्सर उनके एग के लिए जाना जाता है, क्योंकि इनके एग से बेबी कीवी नहीं बल्कि पूरा कीवी ही निकलता है। साउंड क्रेजी, बेबी कीवी एग सेल को खुद ही तोड़ फोड़ कर बाहर निकल आता है। हैरानी की बात ये है कि जन्म के 10 दिनों तक मम्मी कीवी को उसके खाने की बिल्कुल चिंता नहीं होती, क्योंकि बेबी कीवी अपने अंडे से योक को सोख लेते हैं, इसीलिए वो जन्म से काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि वो 70-80% अपने एग में ही मैच्योर हो जाते हैं। नंबर 4, कॉपर हेड बेबी स्नेक। क्या आपने कभी सोचा है, सांप जितना जहरीला होता है क्या उसका बच्चा भी उतना ही जहरीला होता है? हाँ जी, बिल्कुल होता है। कॉपर हेड स्नेक मुख्य रूप से मेक्सिको में पाए जाते हैं। बेबी कॉपर हेड स्नेक के सिर पर 2 डार्क डॉट होते हैं और उनकी पूंछ पीले रंग की होती है। इसे बच्चे समझकर पंगा ना लेने में ही भलाई है, क्योंकि ये बहुत ही जहरीले होते हैं। नंबर 5, बेबी राइनो। घास फूस खाने वाला ये पशु 150 किलोग्राम तक का हो सकता है, जो मुख्य रूप से एशिया और अफ्रीका के जंगलों में पाए जाते हैं। बेबी राइना का वजन 50 से 70 केजी तक होता है। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। क्या आपको पता है, बेबी राइनो बिना हॉर्न्स के पैदा होते हैं और 2.5 साल तक 24 घंटे अपनी माँ के साथ रहते हैं। नंबर 6, बेबी कैमिलियन। रंग बिरंगे कैमिलियन की अनेक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ये रेप्टाइल फैमिली से बिलोंग करते हैं। बेबी कैमिलियन जब पैदा होते हैं तब वो 4 इंच के होते हैं और 8 महीने के बाद बिल्कुल अडल्ट कैमिलियन की तरह दिखाई देने लगते हैं। बेबी कैमिलियन दिन में 12 से 14 घंटे तक सोते हैं। नंबर 7, कंगारू। बेबी कंगारू को जॉय कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, महज 33 डेज में कंगारूस पैदा हो जाते हैं। लगभग 1 साल तक ये अपनी माँ के पाउच में ही रहते हैं और ये जन्म के टाइम लाइट पिंक कलर के होते हैं। नंबर 8, इचिन्ना। फीमेल इचिन्ना के अंडे देने के 10 दिन बाद नन्ना सा बेबी इचिन्ना निकलता है, जिसे पगल्स कहा जाता है। इसका वजन महज 0.5 किलोग्राम होता है। ये मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।